हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एग्रीकल्चर के जो हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए और ऐसे ही क्वेश्चंस आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा डाले गए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दलहनी फसलों के लिए आवश्यक तत्व है कोबाल्ट, जो होता है वो दलहनी फसलों के लिए अति महत्वपूर्ण तत्व होता है। किसान की मौत कहलाती है मृदा अपरदन, जो है किसान की मौत कहलाती है। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक मृदा पाई जाती है जलोढ़ मृदा, जिसको एलोवियल सॉयल भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है, कम से कम 7-8 बार रिपीट हुआ है जो हमारे नॉलेज में है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया, जनवरी 2004 में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीताम्बरी प्रजाति है सरसों की, ये भी इम्पोर्टेंट है। जितने क्वेश्चन हैं हमने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें सेलेक्ट किया है और ऐसे ही क्वेश्चनों की वीडियो बनाते हैं। विश्व में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर खाद्यान्न उत्पादकता है बेल्जियम की। भारत में कुल रोजगार में कृषि का योगदान है 48.9% ये वीडियो में क्वेश्चन आया है और SSC उसमें जो है TA में भी पूछा गया था। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 23 दिसंबर को। कृषि वर्ष की अवधि होती है जुलाई से जून तक। फसल लॉगिंग विधि है फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यक जानकारी के लिए पौध विश्लेषण, ये भी TA में पूछा गया है क्वेश्चन। एंटीसोल है नवीन जलोढ़ मिट्टी। चाय बागानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है अम्लीय मृदा। कृषि क्षेत्र को दीर्घकालीन ऋण देता है भूमि विकास बैंक, ये भी इम्पोर्टेंट है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल जोन है 20। नाफेड का संबंध है कृषि विपणन, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड्स, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी। मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ने वाला उर्वरक है अमोनियम सल्फेट। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहावा जिसको कॉफी कहते हैं बागान लगाया गया है चिकमंगलूर कर्नाटक में। तंबाकू कृषि के तहत बृहद क्षेत्र स्थित है आंध्र प्रदेश में। कृषि तथा संबंधित क्षेत्र को सर्वाधिक ऋण प्रदान करता है वाणिज्यिक बैंक। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है वाराणसी में। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में, जो कई बार पूछा जा चुका है PCS एग्जाम में, विभिन्न प्रकार के एग्जामों में। कहावा जिसको कॉफ़ी कहते हैं, कौन सा देश प्रथम स्थान पर आता है इसके उत्पादन में, इसको आपको कमेंट में बताना है। जो सबसे पहले कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसको 100 रुपये का Paytm कैशबैक हमारी तरफ से दिया जाएगा। जय हिंद जय भारत।